उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद से इसकी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। डीसीएम में 46 मजदूर थे सवार। आपको बता दें कि हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की हुई है मौत और 14 हुए हैं मजदूर घायल। सभी घायलों को लाया गया राजकीय मेडिकल कॉलेज मुंबई से लाकर डीसीएम से जा रहे थे। ये सभी मजदूर अपने अपने गृह जनपद एटा थाना क्षेत्र के NH-27 स्थित ग्राम गिरथान की घटना है। क्या पूरा मामला है सर? थाना एट के अंतर्गत एक डीसीएम थी जिससे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी पीछे से, जिसमें वो पलट गई, इसमें कई लोग घायल हो गए। तो उनको तुरंत ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, इसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और बाकी लोगों का उपचार कराया जा रहा है। और बाकी सभी लोगों के रहने खाने का और जितनी भी व्यवस्था है इलाज की, वो सभी पुलिस द्वारा कराई जा रही है। और इन लोगों को सुबह बस करके इनके घर भी भेजा जाएगा। सर, एक जिसमें प्रवासी मजदूरों की 2 लोगों की मौत हुई है, और क्या मामला है, वो आपने क्या सब किया? रात को एक डीसीएम में कुछ प्रवासी मजदूर आ रहे थे, 46 उनकी एक गाड़ी से टक्कर हुई, जिसमें 2 की जो मृत्यु हुई और कुछ लोग जो है घायल हो गए। जो भी घायल थे उनको मेडिकल कॉलेज में लाकर उनका इलाज कराया गया। जो गंभीर रूप से घायल है उनका इलाज कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना दी गई, उन्होंने घोषणा किया है कि जो भी मृतक है उसको 2 लाख रुपये की अभी मुआवजा और जो भी गंभीर रूप से घायल है उनको जो है 50,000 रुपये दिया जाएगा। साथ ही साथ इन लोगों के लिए UPSRTC की बस भी हम लोग कर रहे हैं कि वो अपने घर तक पहुँच सके। और जौनपुर जनपद के जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ भी हम सूचना कर रहे हैं, तो वहाँ भी जो सरकारी स्कीम से इनको लाभ मिल सकता है वो जो है।